हैं, पूरा परिवार फैमिली सारे लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं और अभी भगवान भास्कर जैसे उदयमान होंगे उनके अर्घ देके कार्यक्रम का समापन किया जाएगा और समापन के साथ ही हम लोग फिर पुनः इन नदी को और यहाँ जगह को ये सारे सफाई की जाएगी और ये स्वच्छता का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। महिलाएं 36 घंटे का निर्जल व्रत रहती हैं और 3 दिन पहले वो बिस्तर पर नहीं सोती हैं, सारे और नए कपड़े में जो अर्घ दिया जाता है वो नए कपड़े में होता है। लाल कपड़ा हो तो और अच्छा है क्योंकि भगवान भास्कर को लाल कपड़ा बड़ा पसंद है क्योंकि स्वयं वो लालिमा लिए जो है और भगवान भास्कर साक्षात सूर्य भगवान देव हैं, वो रोज सवेरे दिखाई देते हैं, शाम को अस्त होते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो बिहारी और पूर्वांचल के लोग हैं वो उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और अस्त होते हुए भी सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो यह बिहार और पूर्वांचल का ये छठ पूजा पूरे ग्लोबल हो चुका है, पूरे दुनिया में फैल चुका है और लगभग 80 देशों में छठ की पूजा मनाई जा रही है। जो पूर्वांचल के लोग जहाँ तक गए हैं वहाँ तक ये छठ पूजा फैली हुई है। आज जो है लगभग इस कार्यक्रम में 150 भोजपुरी के कलाकारों ने रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। 8 बजे इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा और भव्य और दिव्य ये कार्यक्रम 39वां ये पूरा होने जा रहा है। कल मुख्यमंत्री भी इस घाट पर आए थे, उन्होंने अर्घ दिया था, उसके बाद में उन्होंने क्या कुछ कहा क्योंकि उनका साफ संदेश था कि सुरक्षा और स्वच्छता का इंतजाम होना चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री जी जब से यहाँ पर आए हैं वो तब से उनका लगातार जो है सुरक्षा को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, इसके साथ स्वच्छता के लेके, जो नदियों का स्वच्छता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप छठ पूजा का आयोजन तो किए हैं लेकिन इसकी सफाई की भी, और आप जब ये छठ पूजा का आयोजन करते हैं तो उसी बहाने गोमती की भी काफी सफाई हो जाती है और पूजा करने बिल्कुल के बाद हम चाहेंगे कि तस्वीरें भी आप दिखाएं क्योंकि प्रति जो इंतजार कर रहे हैं उनसे भी अगर बातचीत हो पाए। हालांकि वो तो पानी में उतरे हुए हैं लेकिन उनके परिवार वाले भी हैं क्योंकि वो भी लगातार सहयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूरा पर्व है वो एक दूसरे के सहयोग के साथ ही पूरा हो पाता है। तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि अब वो भी इंतजार व्रतियों के साथ साथ कर रहे हैं। तो लखनऊ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, साथ ही साथ कुछ अन्य तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और देखिए राहुल, जो अलग अलग तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी राहुल, उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि कुछ जगहों पर अब अर्घ देने की शुरुआत की जा चुकी है। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई और अब अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं छठ की छठा की और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है। सूर्य की लालिमा चारों ओर बिखरेगी और वैसे ही वो अपनी आपकी और हमारे जीवन में भी ऊर्जा के स्रोत भगवान भास्कर हम सभी को ऊर्जावान रखे, दीर्घायु बनाए, स्वस्थ बनाए, यही कामना के साथ इस महापर्व इस महाअनुष्ठान को संपन्न कराया जाता है, संपन्न किया जाता है। व्रती पूरी आस्था के साथ तमाम मनोकामनाओं के साथ ये सुषुप्ता की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। कुसी के साथ साथ सुषुप्ता बनाया जाता है जिसके माध्यम से छठी मैया की आराधना की जाती है। और देखिए ये बहुत ही अलौकिक और खूबसूरत विहंगम दृश्य है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और भगवान भास्कर की उपासना के साथ ही अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है। तमाम परिवारजन जो इस वक्त वहां पर मौजूद है व्रतियों के साथ वो अब अर्घ दे रहे हैं और अर्घ देने में राहुल ना सिर्फ गंगा जल का उपयोग किया जाता है बल्कि दूध जो बहुत ही स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, उसका उपयोग भी इस महाव्रत में किया जाता है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब भगवान भास्कर दर्शन दे चुके हैं और छठ व्रती जिसका इंतजार कर रहे थे वो इंतजार पूरा हो गया है। और देखिए परिवार जो है वो व्रतियों को अर्घ दिलाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कोई पंडित की जरूरत नहीं है, कोई पुरोहित की जरूरत नहीं है और एक दूसरे का सहयोग करके ही परिवार वाले ही इस पूजा को पूरी कराने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब इस पूजा पद्धति का कह सकते हैं कि अब आखिरी यह पड़ाव है जहां पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना की है, रांची की तस्वीरें हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं, गोरखपुर की तस्वीरें हैं, बनारस की तस्वीरें हैं और सारी जगहों से जो तस्वीर सामने आई है वो काफी तस्वीर अलौकिक नजर आ रही है। भगवान भास्कर दर्शन दे चुके हैं और अर्घ
जो है वो भगवान भास्कर को दिया जा रहा है। और वाकई राहुल ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक छटा इस वक्त छठ की हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे सहयोग के साथ सहभागिता के साथ इस महापर्व को इस महानुष्ठान को संपन्न कराया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे भगवान भास्कर के उपासना की तस्वीर जो प्रकृति के स्रोत है जो प्रकृति के विधाता है प्रकृति सृष्टि के निर्माता है उनकी उपासना इस वक्त तमाम व्रती तमाम परिवार के लोग इस वक्त वहां पर मौजूद होकर भगवान भास्कर की उपासना में लगे हुए हैं। और ये लंबा इंतजार एक बार साल भर का फिर करना होगा और साल भर के इंतजार के बाद एक बार फिर से इस महापर्व की शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल जो इंतजार की घड़ियां थी जो सुखद एहसास था यूं तो अगर इंतजार की बात करें तो वो बहुत ही कठिन होता है इंतजार किसी का भी करना, लेकिन आज भगवान भास्कर के इंतजार का ये बहुत ही सुखद एहसास ना सिर्फ व्रतियों को होता है बल्कि तमाम जो परिवार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। ओम प्रकाश कुछ तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं। ओम प्रकाश जब अर्घ दिया जा रहा है क्या तस्वीर वहां से आप देख पा रहे हैं? जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा वो तो एक तरफ है ही, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो खुद से भी लोग आसपास के लोग भी तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित हो पाएँ। उत्साह के साथ ये पर्व त्यौहार को मनाया जा रहा है और छठ घाट पर ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो छठ घाट पर लोगों की भारी भीड़ जो है श्रद्धालुओं की भक्ति भाव में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान भास्कर की आराधना की जा रही है। बता दें कि ये छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ पर न किसी पंडित की पुरोहित की ज़रूरत होती है बल्कि खुद से ही लोग जो विधि जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार खुद से ये पूजा करते हैं और भगवान भास्कर की भक्ति भाव में कहा जाए तो आराधना करते हैं। और छठ महापर्व में करीब 36 घंटे तक जो छठ व्रती होते हैं वो उपवास करते हैं और एक कठिन महापर्व। ओम प्रकाश आपके आसपास जो लोग इस वक्त मौजूद हैं जरा उनसे बातचीत करिए कि क्या वो भगवान भास्कर की उपासना कर चुके हैं, क्या वो उन्होंने अर्घ दे दिया है, जरा उनसे पूछिए। तो इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं किस तरह से भगवान भास्कर को उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। आप देखें और कहीं ना कहीं इस महापर्व को अपने जहन में समेटें। तो ओम प्रकाश आपके माध्यम से जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अलौकिक और विहंगम दृश्य है। घाट की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे रांची के धुरवा डैम की जहां परिवार के समस्त जन मौजूद हैं और देखिए कैसे गंगा जल से सभी अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं स्वच्छ कर रहे हैं ना सिर्फ ऊपर तन से बल्कि मन से भी इस पर्व में खुद को शुद्ध रखने के लिए खुद को स्वच्छ रखने के लिए सुंदर मन रखने के लिए इस महापर्व को पूरे भक्ति भाव के साथ श्रद्धा भाव के साथ इसे आज संपन्न किया जाता है। ये तस्वीर राजधानी रांची के धुरवा डैम की आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और देखिए भगवान भास्कर के उदयमान होने के साथ ही इस महापर्व यानी कि 36 घंटे के इस महानुष्ठान की आज समाप्ति हो जाएगी और इंतजार एक बार फिर से पूरे एक वर्ष का करना होगा कि ये वक्त एक बार फिर से लौट कर आएगा और हर वर्ष इसी श्रद्धा के साथ इसी शुद्धता के साथ इसी अनुशासन के साथ इस पर्व को हम संपन्न करेंगे। लेकिन इस वक्त जो घाट पर लोग मौजूद हैं उनके चेहरों पर आपको खुशी नजर आ रही होगी, उत्साह नजर आ रहा होगा, उमंग नजर आ रहा होगा और देखिए जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर अर्पित करती हैं पति की लंबी आयु के लिए। कहते हैं कि आज के दिन नाक पर से सिंदूर लगाने की प्रथा है, जितना लंबा सिंदूर उतनी पति की आयु होती है ये मान्यताएं हैं और इसी मान्यताओं के तहत ये महिलाएं अपना श्रृंगार करती हैं साजो सज्जा करती हैं छठी मैया के सामने उपस्थित होकर अपने सुहाग की कामना करती हैं कि वो सदा सौभाग्यवती रहें और साथ ही साथ जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती उनके लिए भी ये खास पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो सूर्य की उपासना करती हैं और कहा यह भी जाता है कि जो भी पूरी श्रद्धा से पूरे सच्चे मन से भगवान भास्कर की आराधना करता है उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। बिल्कुल, तो जो मनोकामनाएं छठी माँ को लेकर के
व्रती रखते हैं वो मनोकामनाएं माँ पूरी करती है, और उसी मनोकामनाओं को लेकर के ये साल दर साल जो पर्व है वो किया जाता है। और सबसे खास बात शुभ है कि इस पर्व को बीच में छोड़ा भी नहीं जाता। ऐसी भी बात सामने आती है कि अगर छठ हमने शुरुआत कर दी है तो हम बीच में उसे, और इसीलिए तो राहुल ये कहते हैं कि ये महापर्व, ये महानुष्ठान बेहद कठिन है। ना सिर्फ 36 घंटे का ये निर्जला व्रत, बल्कि इस अनुष्ठान में शुद्धता का बहुत विशेष महत्व होता है। और खास करके ये सूप और दौरा आपको नजर आ रहा होगा, ईख नजर आ रही होगी, और ईख की भी अगर हम बात करें तो आपको ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ईख की उपयोगिता क्यों होती है। और ये तस्वीर हम आपको ड्रोन शॉट्स दिखा रहे हैं, कैसे ऊपर ये बहुत ही अलौकिक और खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ऊपर से ये गंगा नदी का जल कलकल धारा, और इस धारा में व्रती कैसे भगवान की उपासना कर रहे हैं, वो विहंगम दृश्य, वो अलौकिक दृश्य, वो खूबसूरत दृश्य इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन के। और भोपाल से रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अब सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में किस तरीके की छठ की जो छटा है वो नजर आ रही है, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं वहां से? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोगों ने यहाँ पर अर्घ देने निकलने वाला गसी बड़ी संख्या पे महिला है अर्घ दे रही है। चलिए बिल्कुल, हम चाहते हैं थोड़ी और भी वहाँ की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि लोग जो है वो सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और एक अलग सी छटा जो है वो नजर आ रही है। तस्वीरें थोड़ी सी दिखाएं और वहाँ की, चलिए एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और विकास भी हमारे साथ भागलपुर से जुड़े हुए हैं। विकास, अब सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और अब वक्त है कि अब इस पर्व का समापन हो, क्या तस्वीरें भागलपुर घाट से? देखिए, भागलपुर में अभी भी भगवान भास्कर का इंतजार किया जा रहा है, और भागलपुर के सीढ़ी घाट पर इस वक्त मैं हूँ, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो छठव्रती हैं, वो भगवान भास्कर का अभी भी इंतजार करने में लगे हैं, और काफी संख्या में लोग भागलपुर के सीढ़ी घाट पर है। और इस दौरान जो लोग हैं, जो छठव्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भगवान भास्कर का अभी भी इंतजार कर रही है। भगवान भास्कर अभी तक उदय नहीं हुए हैं भागलपुर में, और यही कारण है कि जो सभी लोग हैं, जो छठव्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भगवान भास्कर का इंतजार कर रही हैं। विकास, इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है, क्या वक्त है, क्या कोई समय तय है जिस वक्त भगवान उदयमान होंगे, भगवान उदित होंगे, क्या कोई तय वक्त रखा है? नहीं, भागलपुर में मौसम विभाग की माने तो भागलपुर में जो सूर्योदय का समय है वो 6:45 रखा गया है, और यही कारण है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो छठव्रती यहाँ पर सीढ़ी घाट पर पहुंची हुए, उन्हें अभी भी भगवान भास्कर का इंतजार करना पड़ रहा है। वाकई विकास, ये इंतजार थोड़ा और लंबा है, लेकिन ये सुखद घड़ियां हैं, सुखद एहसास है जब भगवान भास्कर की आराधना करते हुए भागलपुर वासी नजर आएंगे। और भी तस्वीरें हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे भागलपुर की, लेकिन इस वक्त सीधे दर्शकों को राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां हमारी सहयोगी दीपिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीपिका, और भी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, क्या अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है? वो तस्वीरें, वो विहंगम दृश्य भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। और देखिए, ये ऊपर से जो तस्वीरें जो कैमरे के माध्यम से ली गई है, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और हमारी सहयोगी दीपिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीपिका, क्या तस्वीरें हैं? सूर्य की लालिमा अब चारों ओर नजर आ रही है। बिल्कुल छुपी वो तमाम तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, यानी कि छठ का आखिरी दिन की आखिरी विधि जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे घाट पर जो छठ व्रती हैं वो अब अर्घ देना शुरू कर चुके हैं, और पौराणिक कथा के अनुसार भी कहा गया है कि जो छठी मैया है वो ब्रह्मदेव की मानस पुत्री थी और भगवान सूर्य की बहन है, तो छठी मैया जो है वो संतान प्राप्ति की उनको देवी कहा जाता है, और वही सूर्यदेव को शरीर का भी देवता कहा गया है। और ये मान्यता भी प्राप्त है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो उन्हें दो भागों में बांट दिया गया, तो कुल मिला के ये बात कहें दो
मतलब भाई बहन की पूजा की जा रही है। अभी फिलहाल उगते हुए सूर्य की पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो छठ व्रती है अपने हाथों में एक कपड़ा फैलाए, उसमें आइपल लिए हुए और सूर्य और सूप को अपने हाथों में लेकर चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं और यही प्रोसेस सात बार, यही प्रक्रिया सात बार वो पूरा करेंगे। उसके बाद भगवान को जो सूर्य अर्घ देने की जो प्रथा है, वो प्रक्रिया जो है, वो विधि जो है, वो पूरी होगी। तो तस्वीर में आप देखिए केला भी है, सूप भी है।